सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिपीडिया। फाइनली चंडीगढ़ एंड पंजाब का राउंड वन का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल आ गया है, प्रोस्पेक्टस रिलीज हो गया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किन स्टूडेंट्स को चंडीगढ़ काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना है, किन को पंजाब स्टेट का काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना है। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि क्या चंडीगढ़ और पंजाब स्टेट का अलग अलग फॉर्म है, ये एक ही फॉर्म में नहीं होगा। ये सारे डिटेल, कौन कौन से कॉलेजेस आएंगे, क्या टाइमलाइंस हैं, क्या शेड्यूल है, कहाँ कहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग होगी, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चंडीगढ़ काउंसलिंग का। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, जिसकी वजह से जो चंडीगढ़ की काउंसलिंग है वो दो कॉलेजेस के लिए होती है। वन इज योर GMCH सेक्टर 32 चंडीगढ़ कॉलेज, विच इज अ टॉप निर्फ रैंकिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एंड देन सेमी गवर्नमेंट BDS कॉलेज, दैट इज योर डॉक्टर हरवंशज डेंटल कॉलेज। इन दोनों कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको चंडीगढ़ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। सेंट्रल पूल, NRI कोटा, स्टेट कोटा, ये सारी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। एंड यहाँ का जो शेड्यूल है वो 9 अगस्त से 16 अगस्त 5:30 PM तक आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगी। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी होगी, जिसमें अगर आपके फॉर्म में कोई भी डिफेक्ट है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। वो डिफेक्ट को आपको रेक्टिफाई करना होगा, तभी आपकी एडमिशन कंसिडर होगी। एनेक्जर्स भी काफ़ी सारे अटैच होंगे फॉर्म्स में तो, और आपको काउंसलिंग के टाइम पे भी चाहिए होंगे, तो आप ब्रोशर को ध्यान से देख लीजिएगा। जो चंडीगढ़ की काउंसलिंग है वो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है चंडीगढ़ में, उसका शेड्यूल भी आगे आ जाएगा, वो आपको टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट कर देंगे। सेकेंड स्टेट की बात करते हैं, पंजाब। पंजाब की जो स्टेट काउंसलिंग है फॉर MBBS BDS एडमिशंस, वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस फरीदकोट कंडक्ट करता है। उसके अंडर MBBS और BDS कॉलेजेस आएंगे, और उसका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो आप 9 अगस्त से 15 अगस्त कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 अगस्त है, बट एप्लीकेशन फीस जो कि 5,000 रुपीज प्लस 18% GST 5,900 रुपीज का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसकी फीस भरने की लास्ट डेट 16 अगस्त है। अब पंजाब के अंडर MBBS कॉलेजेस में क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है CMC लुधियाना, सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है SGRD अमृतसर, देन देर आर द कॉलेजेस इन विच ओनली पंजाब स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट, या फिर सिर्फ NRI कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं। उसमें आ जाते हैं SGRD अमृतसर, DMC लुधियाना, ज्ञान सागर चंडीगढ़, आदेश मेडिकल कॉलेज बठिंडा, PIMS जलंधर। इन कॉलेजेस में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर डेंटल कॉलेजेस में, जहाँ पे आपको कम से कम फीस में अच्छे डेंटल कॉलेजेस में अगर आप अपनी डेंटल BDS करना चाहते हैं, तो भी ये फॉर्म में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अब जान लेते हैं क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है CMC लुधियाना में। उसका जो शेड्यूल है वो 9 अगस्त से 17 अगस्त तक है, आपको फिजिकली वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे। एंड जो सिख माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं उनको SGRD अमृतसर जाना होगा 16 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में। एंड जो स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को 16 अगस्त को जाना होगा, उनकी जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करेगी। उसके बाद अगर बात करते हैं NRI कोटा के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, उसके लिए अलग से भी फॉर्म फिल किया जाता है, उसकी 19 अगस्त को लास्ट डेट है। जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी 20 अगस्त को आ जाएगी, एंड लास्ट जो डेट ऑफ सबमिशन ऑब्जेक्शन, अगर कोई मेरिट लिस्ट में कोई ऑब्जेक्शन आता है, उसकी लास्ट डेट है 21 अगस्त 5 PM तक, एंड उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी 23 अगस्त को। देन फिर उसके बाद आ जाता है, अब आपका फॉर्म फिल हो गया है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई है, चाहे आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुई है, चाहे आपकी माइनॉरिटी या कैटेगरी को लेकर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, अब आपको करनी होगी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का जो शेड्यूल है वो 10 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक का दिया हुआ है, मतलब इसका ये टेंटेटिव शेड्यूल होगा, एग्जैक्ट और आएगा। प्रोविजनल जो सीट अलॉटमेंट होगी वो 25 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में होगा। यहाँ पे जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो 28 अगस्त का होगा,
एंड देन लास्ट डेट जो प्रोविजनल अलॉटमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आई है उसकी जो ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट है वो 29th of August 4 PM तक होगी. एंड देन फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी आपको कॉलेजेस में 31st August से लेके 5 September के बीच में. यहाँ पर आपको फीस भी सबमिशन करनी होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिशन होंगे. सो ये तो हुआ काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में. अब अगर आपको ये जानना है कि आपके नीट मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके नीट रैंक के अकॉर्डिंग कौन से बेस्ट कॉलेजेस रहेंगे, क्या आपको चंडीगढ़ या फिर पंजाब स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, तो आप मेडिपीडिया की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मेडिपीडिया का ऑफिस चंडीगढ़ में है, संगरूर में है, बठिंडा में है. अगर आप इवन डिस्काउंटेड फीस चाहते हैं, स्कॉलरशिप्स चाहते हैं BDS एडमिशन्स के लिए, तो भी मेडिपीडिया आपको पंजाब चंडीगढ़ में एडमिशन्स करवाने के लिए 100% सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है.